जमाने तक कुछ कलाकार सितारे बन चुके थे। वह जहाँ जाते जश्न मनाया जाता, उनका आना एक त्योहार जैसा था। सीधे सीधे शब्दों में लोग उनके पीछे चूती आ गए। एक दिन थिएटर में किसी ने पान थूक के बोला, इसको तो साला अवार्ड मिलना चाहिए। थिएटर में कोई भी महत्वपूर्ण इंसान नहीं था, लेकिन थिएटर में दीवारें होती हैं और दीवारों के कान होते हैं। ये वो जगह है जहाँ से इस सब की शुरुआत हुई थी। यहाँ आयोजित हुआ था दुनिया का सबसे पहला फिल्म फेयर। उस दिन के बाद से हर किसी को चाहिए थी वो काली औरत। कई बच्चों का सपना था वो काली औरत। जब पिताश्री माता जी के साथ खेल रहे होते थे, तब बच्चे आईने के सामने खड़े होकर फिल्म फेयर की स्पीच तैयार करते थे। My mom and dad, जिन्होंने मुझे सिर्फ एक बार बेचा। I would like to thank my director, जिसने मेरे अंदर का ग्लैमर पहचाना। I would like to thank। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं बात करने जा रहा हूँ रिक फ्लेयर ड्रिप फ्लेयर फिल्म फेयर के बारे में। अरे चूतिए, गलत फोटो है। हाँ ठीक है ना, तो कौन सा कुछ फर्क है? अब हम सब ने अपनी सुहावनी जिंदगी में ऋतिक रोशन को इस पे नाचते हुए जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो या तो तुम बहुत ज्यादा कूल हो, या फिर कूल की कूलनेस में इतना कूल हो चुके हो कि तुम्हें संसार में कोई चीज लुभाती ही नहीं। खैर, इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि ये अवार्ड्स क्यों है, क्या है, किस लिए है और इससे हमें कितना फर्क पड़ता है। तो आओ यार, अजय देवगन की गर्दन सीधी करते हैं और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। एक्टर्स और अवार्ड्स का बहुत ही गहरा रिश्ता है। एक्टर्स भी वैसे ही जीव है जैसे तुम लोग हो। भड़काओगे तो भड़क जाएंगे, खड़काओगे तो खड़क जाएंगे और चलाओगे तो चल जाएंगे। तो उन्हें भी वैसा ही लगता है जैसे तुम्हें लगता है। सोचो तुम्हें कोई अवार्ड मिल रहा है, पहले 2 मिनट लगेगा ये, फिर अगले 5 मिनट सिर्फ उनको बताऊंगा जिनको परवाह है, फिर उसके बाद एक खिलौने की तरह वो किसी कोने में पड़ा रहता है। उसकी सफाई भी त्योहारों पे ही होती है। अब किसी भी प्राणी को अवार्ड्स क्यों चाहिए होते हैं? ताकि उसे लगता रहे कि उसने अपनी झंड जिंदगी में कुछ उखाड़ लिया। लेकिन अवार्ड्स की औकात होती भी उससे है जो उन्हें ले रहा है। अगर मैं तुम्हें बेस्ट यूट्यूब वॉचर ऑफ द ईयर का अवार्ड दूं तो तुम बोलोगे कैरी तुझे कोरोना हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं पिछले साल ये अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिला था तो इज्जत सम्मान सम्मानित। अब ज्यादातर सारे पुराने सितारों को ये काली औरत मिल चुकी है, कुछ को तो लगातार बार बार बहुत बार। इसीलिए नए वाले सितारे कह रहे हैं हमें भी चाहिए, और यही चेन घुमाते घुमाते फिल्म फेयर को 65 साल हो चुके। मैं अगर फिल्म फेयर को 2 सेकंड के लिए पीछे वाली कुर्सी पे बिठाऊं तो तुम देखोगे आज की डेट में हर चीज के लिए अवार्ड है। बेस्ट बाइक स्पिनर, बेस्ट डोंकी राइडर, बेस्ट बन मस्काइटर। अगर तुम्हें कुछ करना आता है तो तुम्हारे पास अवार्ड है। इसी वजह से अवार्ड्स की हालत दुनिया जैसी हो गई है, देने वाले ज्यादा है, लेने वाले कम। अब कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं जिन्हें अवार्ड्स की बकचोदी में कोई मान्यता नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ उन अवार्ड शोज पे जाता हूं वेयर आई फील लाइक द किड फ्रॉम तारे जमीन पर। अवार्ड फंक्शंस एक नंबर के फ्रॉड हैं, आप लोग भी मत देखा करो। Whatever, and we are like idiots right now and then, suit coat पहन के बैठे हैं और अवार्ड ले रहे हैं। And one of those, it's like tomorrow, my driver and my servant and my boy and my makeup man says, बाबा आज हम तुमको अवार्ड देते हैं। सलमान को कोई सुझाव नहीं दे सकते, हम सिर्फ उसकी तारीफ कर सकते हैं। अब आप देखते हैं इस साल फिल्म फेयर में क्या कारनामा हुआ। सबसे पहले तो मैंने एक ऐसी चीज देखी जिसे देख के मेरे दिल की नस पे नस चढ़ गई। अनन्या पांडे, लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। फैसले से बहुत खुश हूँ। मैं इतना खुश हूँ कि बहनचोद मेरा फूला नहीं समा रहा है। मैं इतना खुश हूँ कि कोई मुझे 5 रुपए देगा ना, मैं उसे बोल दूंगा हाँ मार ले। मैं इतना खुश हूँ कि मुझे कोई जानबूझ के कोरोना भी दे देना, मैं उसे भी माफ कर दूंगा। क्योंकि जो स्ट्रगल करता है उसे उसका फल तो मिलता ही है। इसी बात पे आओ स्ट्रगल खेलते हैं। सुबह उठना स्ट्रगल, ड्राइवर को जिम के लिए कॉल करना स्ट्रगल, ट्रेडमिल पे भागते हुए अपनी मूवी देखना स्ट्रगल, फोन पे बात करना, गाड़ी में बैठना, सीढ़ियां चढ़ना, सांस लेना स्ट्रगल 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 स्ट्रगल। ये तो चलो एक अवार्ड था, लेकिन बाकी अवार्ड्स किसको गए? गली बॉय, गली बॉय, गली बॉय, गली बॉय, गली बॉय, गली बॉय, गली बॉय। ऐसा लग रहा था पूरा अवार्ड शो गली बॉय को श्रद्धांजलि दे रहा है। जितनी देर आलिया भट्ट गली बॉय में दिखाई दी, उससे ज्यादा देर तो रणवीर सिंह फिल्म फेयर पे दिखाई दे लिया। क्या बोल रही पब्लिक?
हार्ड। अब कुछ विकासनीय लोगों का मानना है। फ्रेंड्स, मित्रों, अमेज़न की चाल है ये। मैंने परसों ही कली बॉय अमेज़न पे देखी है। और फिल्मफेयर का स्पॉन्सर कौन? अमेज़न। ये विकास सब के सब। हाँ, और छोटा भीम पोगो चलाता है। ये असली जिंदगी है, कोई पिक्चर नहीं। तुम ब्योमकेश पक्षी के छोटे चौदे नहीं हो जो कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अवार्ड्स पे डिप्टी सेक्रेटरी साइन करता है, स्पेशल सेक्रेटरी साइन करता है, फिर सेक्रेटरी साइन करता है, फिर मंत्री भी साइन करता है। नहीं नहीं, लोग इतने भी चूतिया नहीं है। अवार्ड सिलेक्शन के पीछे क्या राजनीति चलती है ना तुम जानो ना हम। देखो, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता। अभी तक मुझे किसी एक्टर का लंच चूसने को नहीं मिला। लेकिन हमारे बॉलीवुड के मीडिया हाउसेस, उन्होंने तो गटक रखा है, तो उन्हें जरूर पता होगा क्या होता है। आओ देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। तैमूर अली खान को ब्रांड्स इतने पैसे ऑफर कर रहे हैं जितने कई बड़े सेलेब्स को नहीं होते नसीब। लेकिन क्या सैफ करीना तैमूर अली खान को बनाएंगे इन ब्रांड्स का फेस? बच्चे के मुंह में बार दो DSLR और रिकॉर्डिंग ऑन रखना, अंतरिक्ष दिखेगा ना तुम्हें बहनचोद। अब फिल्मफेयर को इतने साल हो चुके हैं लेकिन लोग सिर्फ अभी क्यों फटे? ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा कि सारे अवार्ड्स एक ही फिल्म को दे दिए, फिर लोग अभी क्यों फटे? देखो, पहले हमें अपने घर से दो गलियां छोड़ के वंडरलैंड लगता था, लेकिन अब इस सदी में जहां लोग पैदा होते ही पैसे कमा रहे हैं, इस दुनिया का एक एक ज्ञान तुम्हारे हाथ में है। बोलो जय गुरुदेव। तो अब नागरिकों की सुबह हो गई है, वह जाग चुके हैं। तो जैसे उन्होंने फिल्मफेयर देखा, उनके जगे हुए दिमाग ने कहा, ए तो टट्टी है। अब किसको काली औरत मिलेगी, इसका फैसला होता है एक जापानी गुड़िया से। उसके पेट में चाकू, छोड़ो यार, तुम लोग सही में मान लोगे। इसका फैसला करने के लिए एक पंचायत बिठाई जाती है जिसमें वो वाले लोग बैठते हैं, समझ रहे हो, वो वाले बड़े बड़े काले सूट वाले लोग। उनसे ज्ञानी कोई नहीं। बैठिए 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 बैठिए। भ्रष्टाचार्य जी, शुरुआत करते हैं। पहले ने नॉमिनी है उरी। हीरो कौन है जी? विक्की कौशल। वो कौन सा वाला है? सर, जो ऑल द बेस्ट में था, सपोर्टिंग के सपोर्टिंग रोल में। उसका डायलॉग है ना, मैं सामान लेके आऊँ, मैं सामान लेके आऊँ, मैं सामान लेके आऊँ। अरे तो लाना। कोर्ट है सर, हम भी ड्राई बैठे हैं। आप पास कर दो, आप खत्म कर दोगे। कुछ नहीं सर। नेक्स्ट एनोनिमी है सोन चिड़िया। कौन सी चिड़िया? उस चिड़िया को मैं मार के खा गया। कितने बार का अमीर से पहले मत आया करो, मैं बुरा लगता हूँ। अरे आइए भाई। मोहन जी। हाँ सर। नेक्स्ट एनोनिमी है गली बॉय। अरे उसमें जैसे मैं बात करता हूँ वैसे वो गाते हैं। उसमें कौन है? वो पाजी अपना, सिंगिश किंग रणवीर। और सर, रणवीर ये जिसके पास सामान रहता है, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी के वक्त दीपिका के पर्स में डाल देता है, बहुत चला के सर। नेक्स्ट एनोनिमी। अरे रुकिए मोहन जी, रणवीर को कहिए सारे अवार्ड्स ले जाए पर सामान दे जाए। मेरी बेटी रुकैया ने 4 हफ्ते से कुछ नहीं किया है, मुझे धमकी दे रही है, अपने दोस्तों को कहकर अपने आप को किडनैप करवा लेगी और फिर मुझसे पैसे मांगेगी। सर प्लॉट तो ओरिजिनल लग रहा है। मोहन जी, बेटी किसकी है? किसकी है सर? अरे मेरी है सर। आप गोरे वो काली, मान लिया सर, मैं वो रणवीर वाला करवाता हूँ। मेरा तुम सबसे एक सवाल है, क्या तुम्हें काली औरत मिली? नहीं। क्या मुझे काली औरत मिली? अजी घंटा। तो बहनचोद इतना लड़ क्यों रहे हो? कुछ कलाकार हैं जिन्हें लगता है उन्हें उनके हक का अवार्ड नहीं मिला और लोग बावड़े हो गए। देखो, अगर तुम कहीं पर अन्याय देखते हो तो जरूरी नहीं है कि हर बार अपनी गांड मटकाते हुए वहां पर पहुंच जाओ। अवार्ड नहीं मिला तो नहीं मिला, ठीक है, कोई मुंह से रोटी थोड़ना छीन के ले गया। उनकी मर्सिडीज ऑल्टो में थोड़ी ना बदल गई, कम से कम सही चीज के लिए तो भसड़ मचाओ। सब पीछे पड़ गए काली औरत के। लेकिन क्या उस काली औरत से किसी ने पूछा क्या चाहिए, वो किसके साथ जाना चाहती है? क्या उसे कभी गोरा होना था? जितने लोगों की जिंदगी अटक गई है इस बात पे कि उन्हें काली औरत नहीं मिली, उन्हें तो हम और चिढ़ाएंगे। इस काम को करने आ रही है रोडीज की हैवी वेट चैंपियन नेहा। नेहा, 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 नेहा। सुन मेरी बात, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई। It's her choice. Maybe the problem lies with you. Check yourself first. Don't say कि मैं सब करता था। तू चूतिया है। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। एम करते हैं 2 मिलियन लाइक्स के लिए। देखो मेरी भावनाओं को समझो। मेरे पापा ने कभी करण जोहर के साथ कॉफी नहीं पी। मैं बहुत जोर से स्ट्रगलर हूँ। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पे खासो या फिर छीको, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे अपोकलिप्स की तैयारी करनी है। बाय। मोहित, मेरी दाढ़ी का कुछ करते, पहले बाल होठों पे आ रहे थे, मुंह में आ रहे हैं। हाँ, तू लेता क्यों सांस जब पूरा दिन जाए बकवास। हाँ, मुश्किलें 50, एक खत्म तो दूसरी तैयार। हाँ, मैं ना रहता पास, इस दुनिया में ना कोई खास। हाँ, एक साल की है बात, मेरा पुतला बनेगा शाह।